दुनिया भर में तेल की बढ़ती किल्लत के बीच रूस पर लगी नई पाबंदी यूक्रेन को परेशान कर रही है। रूस के खिलाफ लाए गए G7 देशों के जिस फैसले पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी, उस फैसले ने खुद G7 देशों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे हो गए कि खुद ज़ेलेंस्की रूस पर लगी पाबंदियों का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। समुद्र में मौजूद जहाज आज उस दो राह पर खड़े हैं जिन्हें ये तो पता है कि जाना कहाँ है, मगर वहां जाने की आजादी नहीं है। जिस रूस पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने की बात यूरोपीय यूनियन कर रहा था, वो हमला हो चुका है। ना मिसाइल चली, ना ही बम बारूद, फिर भी अपने फैसले से G7 देशों ने अपने हिसाब से रूस पर बड़ी चोट कर दी। दरअसल रूस के कच्चे तेल पर यूरोपीय यूनियन, G7 देश और ऑस्ट्रेलिया ने $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश अब रूस से $60 प्रति बैरल से अधिक की दर पर तेल नहीं खरीद सकेगा। इस फैसले का मकसद रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाकर उसकी आमदनी को कम करना है और इसे 5 दिसंबर से अमल में लाया गया है, लेकिन पश्चिमी देशों के इस फैसले को रूस ने मानने से इनकार कर दिया है। पुतिन पहले ही बोल चुके हैं कि इस तरह का कोई भी फैसला लागू करने पर गरीब देशों में महंगाई बढ़ेगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों के फैसले पर निराशा जताई। रूस पर लगने वाले प्राइस कैप को $60 की बजाय $30 से $40 प्रति बैरल पर रखना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत $67 थी। ऐसे में $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप रूस को ज्यादा नुकसान पहुँचाता नहीं दिख रहा। Завершилась, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія нанесла вже колосальні збитки усім країнам світу, свідомою дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна, якщо обмеження ціни російської нафти $60 замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримує на рік близько $100 мільярдів. Бата дей, Європія Юніон, G7 деш ор Австралія ке саюкт фесле ке бад, аб сирф уні дешо ко русі тел кі саплай хо сакегі, жо $60 прати бэрел, є іссе кам ме рус се кача тел харіденге. दरअसल पूरी दुनिया में तेल टैंकर्स का बड़ा हिस्सा यूरोपीय यूनियन और G7 देशों के पास है। रूसी तेल इन्हीं देशों के तेल टैंकर्स के जरिए दूसरे देशों में पहुंचाया जाता रहा है। ऐसे में अब इस नई पाबंदी के बाद सिर्फ उन्हीं देशों को तेल टैंकर मिलेंगे जो रूस से $60 या इससे कम में तेल खरीदेंगे। जानकारों की माने तो ये फैसला भारत और चीन को रूस से तेल खरीदने से रोकने के लिए लिया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि ये देश पहले ही रूस से भारी छूट पर तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में $60 के प्राइस कैप पर ज़ेलेंस्की की नाराजगी समझ में आती है, क्योंकि ये फैसला कहीं से भी रूस को नुकसान पहुंचाता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।